गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको हम सही तरीका से समझते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, ये वृत्ताकार मेजपोष है, अब समझ लेते हैं इसको। एक वृत्ताकार मेजपोष है जिसमें डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर देखा जाए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो डिजाइन का ही क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम डिजाइन का क्षेत्रफल घटाएं, या वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाएं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का भुजा मालूम है ही नहीं, तो यहाँ से एक समस्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के भुजा को मालूम करने के लिए क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए कैसे लगता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया कि एक वृत्ताकार मेज पोष है। बिल्कुल आसान सवाल है, अगर आप समझ के करते हैं तो आसान लगेगा। तो देखिए, केवल समझना है, केवल दिया हुआ कि एक वृत्ताकार मेजपोष की त्रिज्या, अब त्रिज्या की बात किया, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका मतलब है कि वृत्त है, और वृत्त का ये एक केंद्र होगा, ये निश्चित रूप से केंद्र होगा। तो त्रिज्या की बात किया 32 सेंटीमीटर, तो ये आपका, ये मान मिडिल में रख लें, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो कि 32 सेंटीमीटर होगी, 32 cm, ठीक है। और ये भी अगर सेंटर हुई है, ओ मान लीजिए, तो इसको भी देखा जाए तो ये भी आपका 32 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका त्रिज्या ही होगा, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखने की बात यह है कि यहाँ से अगर लंब डाल लिया जाए ऐसे, और इसको एक बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ये लंब डालेंगे तो यहाँ पर आपका 90° का कोण बनेगा, यानी OPC एक क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण त्रिभुज में देखिए, आपको अगर गौर से देखिए तो एक बात गौर करने की ये बात होती है कि ये है आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जो कि बताया गया है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, और प्रत्येक कोण जो है 60° का होता है, यानी कि इसका ये कोण तो आपका क्या होगा, 60° हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ये कोण, तीनों कोण इसका कितना डिग्री होगा, 60° ही होगा। अब देखिए बात गौर से, यहाँ पर देखने की बात है कि हम लोग 9th class में पढ़े थे कि अगर कोई वृत्त है और ये सेंटर है, एक चाप है, चाप पर का जो कोण बनेगा, ये कोण चाप पर का, और एक परिधि पर का कोण बनेगा, एक क्या बनेगा, एक परिधि पर का कोण बनेगा, एक बनेगा आपका परिधि पर का कोण, एक केंद्र है, ये कोण केंद्र पर चाप द्वारा, देखिए यहाँ से फिगर को एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गौर से देखने की बात होती है,
इसको समझना जरूरी है। ये मान लिया जाए वृत्त है, ये सेंटर वृत्त का, और इसके एक चाप, ये चाप हुआ, चाप के द्वारा केंद्र ये ओ हो गया, इस पर कोण जो बनेगा केंद्र पर का कोण यहाँ पर बनेगा, और एक बनता है आपका ऐसे मान लिया जाए ऐसे परिधि पर का भी कोण बनाया जाए। तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं कि ये जो केंद्र पर का कोण जो है परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, यानी अगर इसको अगर थीटा मान लिया जाए, इसको अगर थीटा मान लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, दुगुना होगा। यही बात को जानना, तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए इस फिगर में देखा जाए, इस आकृति में देखा जाए, अगर ये 60 डिग्री होगा, 60 क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री को होते, तो ये 60 तो होगा, लेकिन यहाँ पर को जो 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 कंस्ट्रक्शन किया गया है तो यहाँ से यहाँ तक का योग आपका हो जाएगा 160 डिग्री। लेकिन हमको 160 डिग्री से नहीं लेना है, इधर का कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री होगा, आधा आधा बटेगा ना, तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया। ये जानकारी हमको ये मिल गया इससे बस, और इतना जानकारी मिलने के बाद बिल्कुल आसान तरीक़ा से ये सवाल बन जाएगा। कैसे, अब देखिए, अब हम ज़्यादा अच्छा समझाने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक ये वृत्त को निकाल के यहाँ ले आते हैं, इस वृत्त को, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगने वाला है, इस वृत्त को, ये समकोण त्रिभुज है ना, वृत्त कहते हैं, ये समकोण त्रिभुज को यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा ढंग से समझने के लिए कैसे दिया हुआ देखिए, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। चलिए सीध में कर लेते हैं, और ये आपका O है और ये आपका P है, ठीक है, P है, और ये आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, 32 कितना सेंटीमीटर, 32 cm दिया हुआ है। यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 60 डिग्री दिया हुआ, ये भी लिख दीजिए, ये आपका 60 डिग्री बना। ऐसा इसीलिए करके दिखाते हैं कि जो कि बिल्कुल आसान लगने लगे, ये चाहते हैं हम। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, और ये कोण के ठीक सामने का भुजा क्या होगा, लंब, ये आपका सी है ना, तो सी लिख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं ये समकोण त्रिभुज बना, इसी में क्या ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, जिससे क्या होगा, हमको ये लंब अगर मालूम कर लेते हैं पी सी, यानी यहाँ पर पी सी मालूम कर लेते हैं, और पी सी को अगर दुगुना कर लेते हैं तो बी सी के बराबर हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का हमको एक भुजा मालूम हो जाएगा। जब समबाहु त्रिभुज का एक भुजा मालूम हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी ये घटाने के में सहूलियत हो जाएगा। तो वही काम हम करते हैं, लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट समझिए, ये भी फिर इसी फिगर से निकाल के अलग किए हैं, केवल लिखेंगे यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी सी में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब, और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, और ये आपका तो आधार हो जाएगा, ये आपका ऑटोमेटिक ये आधार ही हो जाएगा, लिख देते हैं वैसे आधार, ठीक है। अब क्या ओ त्रिभुज ओ पी सी में क्या है, हमको निकालना है ये, तो ये क्या करेंगे, साइन में लेके फॉर्मूला ओ पी में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, जो कि ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया भी गया है, लाल का फॉर्मूला करके लंब बट्टा कर्ण, तो लंब इसमें कितना हो गया, पी सी आ गया लंब, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया ओ सी, यही ना लंब बट्टा कर्ण। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, पी सी का तो मान निकालना है, और ओ सी आपको 32 दे दिया है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुने पी सी,
2 × PC बराबर कितना, 32√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए क्या हो जाएगा PC, क्या हो जाएगा, इसीलिए PC बराबर हो जाएगा कितना, 32√3, और ये गुना करता है इधर आके भाग देगा, यानी आपका काट लेंगे 16 से, यानी आपका निकल गया 16√3 cm, PC निकला, क्या निकला PC निकला। अब क्या कर लेंगे, अब क्या कर लेंगे कि अतः समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, ABC की भुजा क्या चीज, भुजा BC बराबर हो जाएगा 2 × क्या चीज, BC 2 × PC हो जाएगा, 2 × PC बराबर 2 × PC का मान निकाले हैं 16√3, यहाँ पर CM लगा लेंगे तो यहाँ कितना निकल, 16√3 cm, यानी हम समबाहु त्रिभुज के भुजा ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला लगा के निकाल लिए। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिख देते स्पेस की वजह से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे आप, वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल घटा क्या थी, समबाहु त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल। यहाँ तक स्पष्ट है, देख लीजिए एक बार गौर से। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, π r² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कितना आसान सवाल है, और लेकिन समझने पर, अब देखिए पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुना आर, त्रिज्या आपको दिया हुआ है 32, तो क्या लिखेंगे 32 × 32, चूँकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप cm² माइनस √3/4 गुना भुजा निकाले, कितना भुजा निकाले हैं यहाँ पर, त्रिभुज की भुजा देखिए यहाँ पर निकाले, ये 32√3, ठीक है, गुने क्या करेंगे, गुने 32√3, दो बार लिखेंगे √3, ऐसे कर लेते हैं एक बार 32√3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो आपको ऊपर गुना आ जाएगा आपको 22,528/7 cm², कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा 22,528 cm² माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे √3 गुना √3/4 गुना 32√3 × 32√3, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब काट लेंगे, जो कटेगा सो काट लेंगे, यहाँ पर cm² लगा लेंगे, 4 × 4 = 32। अब इसको गुना करेंगे आप, एक बार और लिख लेते हैं, 22,528/7 cm² माइनस, अब देखिए 8√3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में फिर गुना करेंगे 8 से, तो 8 + 24 = 24 में 32 से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 768√3, ये √3 आ जाएगा यहाँ पर 768√3 cm². अब इसको एक बार लिख लीजिए, एक बार
22,528 बट्टा 7 घटा 768 रूट 3 या ऐसे घेर के यहाँ पर सी एम स्क्वायर लगा लीजिए। यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब इस भाग का क्षेत्रफल, ये भाग ये भाग ये भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।